नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। बढ़ती ठंड के दृष्टिगत गरीब असहाय मजदूर जो सड़क के किनारे फुटपाथों पर रात में सोया करते हैं, ऐसे असहाय लोगों के लिए लखनऊ नगर निगम द्वारा स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों को लखनऊ के अलग अलग जगहों पर संचालित किया गया है। इन रैन बसेरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और बेघर महिलाओं के लिए रैन बसेरे में आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे बेड, बिस्तर, कंबल, नहाने के गर्म पानी हेतु गीजर, कमरे को गर्म रखने के लिए ब्लोअर, शौचालय की व्यवस्था, कोविड प्राविधानों के क्रम में थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, एंटी लार्वा का छिड़काव एवं फर्स्ट एड बॉक्स, टेलीविजन, भोजन, पीने के पानी की व्यवस्था के अलावा अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था एवं स्वच्छता सफाई जैसी तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने गरीब असहाय लोगों को बताया शिक्षा का महत्व, कहा शिक्षा से बदल जाती है जीवन शैली। आज जियामऊ स्थित रैन बसेरे में अचानक पहुंचे नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने रैन बसेरे में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और रैन बसेरे में गरीब मजदूर व बेघर महिलाओं को शिक्षा का महत्व समझाया। नगर आयुक्त ने बताया कि शिक्षा के ज्ञान से इंसान की जीवन शैली में बहुत बदलाव आ जाता है। शिक्षा से हमें अनेक जानकारियां प्राप्त होने लगती हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। निगम द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं से भी नगर आयुक्त ने सभी गरीब मजदूरों को अवगत कराया। इसके साथ नगर निगम के अधिकारियों को यह आदेश दिया कि विभिन्न विभागों की लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी उन्हीं विभागों के माध्यम से रैन बसेरे में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने का कार्य हो और साथ ही साथ शाम 6 बजे अध्यापकों की भी व्यवस्था हो, जिससे इनको निरंतर शिक्षा और सरकारी योजनाओं का ज्ञान प्राप्त हो। डीजल भी बनाया जा सकता है, इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि जो सुबह के शाम मिला मिलता है, जो हमारा रोजमर्रा का जीवन होता है उसमें ये आप जरूर सुनिश्चित करें कि जो भी जैसे आपको एक तो वो चाय के कप मिलेंगे आपको पड़े हुए, दूसरा पानी के पैकेट पड़े होंगे, चिप्स का पैकेट पड़ा होगा। अगर आप कभी गौर से सड़क पर गंदगी को देखते हैं आपको यही गंदगी मिलेगी। इसके अलावा हल्की फुल्की धूल होती है। अगर आप हम लोग ये प्लास्टिक का जो सामान है पैकेजिंग उसमें सामान रखा जाए, पन्नी चिप्स का पैकेट हो गया या प्लास्टिक का चाय पीने का कप हो गया, अगर ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए सड़क से, तो सड़क पर या कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं। और यही जो प्लास्टिक का कूड़ा होता है ये भी नालियों में चला जाता है, इससे नालियाँ हमारी चौक हो जाती हैं, थोड़ी बहुत बरसात हुई तो पानी भर जाता है। ये एक अंत में नालियों के माध्यम से बड़े नालियों में और नदियों में भी चला जाता है, उससे पूरा नदी का पानी वो प्रदूषित हो जाता है, कहीं ना कहीं वही पानी हम नदी से उठाते हैं। एक चीज़ हम ये सुनिश्चित करें कि जो प्लास्टिक का कूड़ा है उसको डस्टबिन में डालें, अगर आप उसको डालेंगे तो नगर निगम का अंतिम वाहन होता है, नगर निगम की जो व्यवस्था होती है पूरा इकट्ठा करने की, उसी व्यवस्था के अंतर्गत उसको